अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। मैं जा रही हूँ जी अपनी दोस्त की तरफ और मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हम लोग इस टाइम हैं करीम ब्लॉक और हम लोगों ने जाना है जी खयाबाने अमीन। मैं हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा है और मेरी सिस्टर है, हम तीनों जा रहे हैं। मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है, धूप भी निकली हुई है और हवा भी ठंडी चल रही है। देखें जी रास्ते का मंजर चेक करें, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना हसीन। ये देखें इस टाइम हम गुजर रहे हैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी से और देखें इधर आसमान पे आप परिंदे चेक करें, ये सारी मेरे ख्याल से चील है जी, हाँ चीले है सारी। यार ये लोग बहुत गलत करते हैं, जो सदके का गोश्त है उनसे ना ये जगह जगह फेंक देते हैं और फिर जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं देखिए कितनी ज़्यादा इसी तरह ये ज़मीन पे आती हैं। खुदा ना खासा कोई आगे आपकी गाड़ी के आगे कोई आ जाती है तो किसका नुकसान होगा। इनको चाहिए कि ये गोश्त वाला यहाँ पर मत फेंके। फिर मैं रुकी जी केक्स एंड बेक पे, मैंने कहा यहाँ से बच्चों के लिए कोई चीज़ ले लूँ। जब मैं गई केक्स एंड बेक के अंदर तो वहाँ पे लाइव बेकिंग जो सी है वो हो रही थी और सैंडविच बन रहे थे, शवारमा बन रहा था और जितने भी ये आइटम्स पड़ी हुई हैं सारी वो लाइव बना रहे थे और अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी बेकिंग की। उसके बाद इनके पास बिस्किट में बहुत वैरायटी पड़ी हुई थी और ये देखे ज़रा, और वो कहना सबको हम लोग यहाँ अपना लाइव बनाते हैं। बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से सामान लिया और फिर मार कहने लगे कि मामा हम लोग यहाँ से रैप भी ले लेते हैं और सैंडविच भी ले लेते हैं। मैं कहा चलो ले लेते हैं क्योंकि मार ने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो वैसे ही चला गया, सो उठा तो उसके साथ वैसे ही मेरे साथ चला गया। बस जी फिर उसके बाद जो उनसे मैंने रैप जो उनसे वो ऑर्डर कर दिया, दो और हम लोगों ने रैप बनवाए, एक पेरी पेरी बनवाया और एक फजीता और दूसरा जो उनसे हम लोगों ने एक सैंडविच ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी सिस्टर भी साथ थी तो हम लोगों ने कहा चलो तीनों जन से ना एक एक चीज़ लेके हम लोग खा लेंगे। लेकिन तीनों चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल लाइट और बहुत अच्छी बनी हुई थी और साथ हम लोगों ने लिया चाहिए एक एक जूस नेस्ले का लेके तो हम लोगों ने भी ये जो सा ना जूस दिया और फिर मुझे लगा कि जैसे हमें देर हो जाएगी तो उसने कहा कि नहीं सिर्फ 10 मिनट्स में जो सा ना वो मैं आपको रेडी कर दूँगा। ये देखें जी ये सैंडविच जो सा है वो इसमें लगाए थे मेकर में और जो सा दूसरी साइड पर वो रैप तैयार कर रहे थे और जो फ्रेश जो सा पैटीज वगैरह बन के निकल रहे थे बाहर। उसके बाद हम लोग चले गए गाड़ी में और गाड़ी में जो उनसे सैंडविच जो उनसे वो अमार भी ट्राई करा था, उसने टेस्ट किया तो कहता मामा बहुत मज़े का है। तो उसके बाद फिर जो दूसरा वाला सैंडविच था ये मैं खा रही हूँ और मैंने पीछे जो उनसे अपनी सिस्टर को दिया रैप, उनका रैप भी बिल्कुल लाइट था और टेस्टी था, मज़ा आया खा के। इनकी हल्की फुल्की भूख जो उनसे ना आप ये खा सकते हैं। और बस जी उसके बाद हम लोग अपने सफ़र पर जो उनसे चल पड़े, मौसम बहुत अच्छा था बाहर का और सूरज देखें जो उनसे वो बिल्कुल, ये हम लोग गुजरे यूसीपी यूनिवर्सिटी से और उसके बाद ये देखें जी सूरज सामने देखें आप चेक करें, ये लाइव जो उनसे मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी कोशिश करी थी इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकूँ लेकिन वो फिर मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि गाड़ी चल रही थी और चलती हुई गाड़ी में आपको पता है तो कैप्चर करना मुश्किल था। बच्चे उसके बाद आगे यहाँ पे पौधों की बड़ी किस्में जी हम एंटर हो गए हैं खयाबाने अमीन के अंदर और हम जा रहे हैं अब फटाफट। जी हम एंटर हो गए नहीं बस हम लोग ही हैं बच्चियाँ एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, ये इतनी स्मार्ट लेडी हो गई कैसी है तुम? ठीक है बिल्कुल हो गई है। अच्छा पहले की नहीं, पहले जब ऐसी जगह तो आवाज मोटे दोनों को तो बच्चे सबसे मिले हिले। उसके बाद वो उसने कहा कि मैं खाना लगाती हूँ टेबल पे, तो मैं कहा आप खाना लगाओ तो हम लोग सीधे जो उनका घर का पूरा मेरा टूर कराऊँ। तो ये देखें जी ये रहा ड्राइंग रूम क्योंकि घर अभी उसने नया बनाया, तो मैंने कहा मैं सबको ज़रा जो उनसे घर दिखाती हूँ। घर जो उनसे उसने भी नया बनाया है, इतनी ज़्यादा सेटिंग वगैरह नहीं की हुई लेकिन दिखाई थी कि मैंने नए पर्दे बनाए हैं और साथ में सोफे जो उनसे हैं वो आ चुके थे वो दिखाई थी। ये रहा टीवी लॉन्च और जो पहले अब आपको दिखाई थी वो ड्राइंग रूम था
और लिविंग लाउंज में से रखा हुआ था जी यू शेप का सोफ़ा और साथ में डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी, खैर अच्छा लग रहा था। उसके बाद खाना लग गया, खाने में बना हुआ था जी चिकन का सालन, साथ में था पालक गोश्त और साथ में थे चावल रोटी और ये उसने बनाया हुआ था डिज़र्ट। इधर में था जी कस्टर्ड बनाया हुआ था फ्रूट्स वाला, बहुत मज़ेदार। बस जी खाना छाना खा के हम लोग फारिग हुए, तो बताई थी कि भाई गार्डन में मैंने जो सा ना लगाए हुए पौधे और साथ में सब्जियां, तो हम लोग को देखने के लिए चले गए क्योंकि बाहर हो गया था अंधेरा। और ये बाहर लगी हुई जी ब्रोकली लगी हुई थी, मूलियां लगी हुई थी, साथ में लगी हुई है बंद गोभी। और रात हो गई थी ना, तो इस वजह से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों ने मोबाइल की लाइट ऑन करके ना तो मैं दिखा रही थी, देखिए ये ब्रोकली लगी हुई है, ये सारा जो सा पौधा ब्रोकली का था। और दूसरी साइड पर उसने लगाई हुई थी मूलियाँ, ये मूलियाँ दिखा रही थी कि हम लोग यहीं से तोड़ते हैं। ब्रोकली काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और जो बंद गोभी थी ना वो भी ज़्यादा लगी हुई थी। मूलियाँ वाला जो सी है गाजरें मूलियाँ करीब हम लोग, ये बंद गोभी है और जो मूलियाँ और गाजरें थी ना वो करीब हम लोग तोड़ चुके हैं पहले, अब हल्की हल्की जो सी ना थोड़ी बहुत लगी हुई थी। ये घर के बाहर का व्यू है सारा, खयाबानी अमीन जो सी सोसाइटी है अच्छी है, भी नई नई बन रही है। और ये देखिए जी सामने का मंजर चेक करें, कितना खूबसूरत, बहुत हसीन लग रहा था। उसके बाद हम बाहर जो चाय वॉक करना शुरू कर दी हम लोगों ने, और बातें कर रहे थे बाहर खड़े होके, गपशप लगा रहे थे क्योंकि बाहर का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने कहा अंदर जाके ज़रूर बैठते हैं, बाहर खड़े होकर बातें करते हैं। और साथ साथ हम लोग वॉक कर रहे थे और साथ साथ हम बातें कर रहे थे। अब जो सा जी इजाज़त लेने का टाइम आया, मैंने कहा चले अब हम लोग घर चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, बच्चों ने सुबह कॉलेज भी जाना था। तो ये जो मैं इसका गिराज है ना उसका आपको दिखा रही हूँ, तो गिराज भी बहुत है ना उसका, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा खूबसूरत। पौधे उसने अंदर भी लगाए हुए हैं और बाहर भी। चलें जी उसके बाद मैंने इजाज़त ली और हम लोग चले गए घर की तरफ। और घर की तरफ हम लोग जा रहे थे तो बच्चों का फ़ोन आया कि हमारे लिए आते हुए कुछ खाने के लिए लेके आइएगा, और उन्होंने मंगवाई थी सॉसेजेस, तो वो मुझे जो उनसे है मिलनी थी जौहर टाउन से। तो जौहर टाउन जब मैं पहुंची तो वो शॉप बंद हो चुकी थी, वो कहे थे हम लोग 11 बजे जो उनसे ना दुकान बंद कर देते हैं। बस फिर उसके बाद मैंने बच्चों को फ़ोन किया कि क्या लेके आऊँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए जूस और फ्रूट चाट ले आएँ। फिर रास्ते से मैंने लीजिए फ्रूट चाट और साथ में लिया जूस और वो लेके मैं घर पहुँची। और ये जो फ्रूट चाट की शॉप है ये हमारे घर के पास ही है, इसकी फ्रूट चाट और जूस बहुत फ्रेश और बहुत मज़े का होता है। बस मैंने बच्चों के लिए भी ये लिया और मैं घर पहुंची, और घर पहुंच के बच्चे भी खुश हो गए। बस ये बच्चे बैठ के साथ साथ खा रहे थे और हम लोग गपशप लगा रहे थे क्योंकि सुबह से मैं निकली हुई थी और घर पहुंचते पहुंचे भी रात के तकरीबन 8-9 का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा कि चलें बच्चों से थोड़ी देर बैठ के गपशप लगाते हैं और उसके बाद जो उनसा फिर चलते हैं रूम में सोने के लिए, खाना वो पहले खा चुके थे। चलें जी इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।